जय श्री राम दोस्तों, जो हमारे चैनल पर जो 5K से जो चैलेंज चल रहा है, आज उसका चौथा दिन है। और तो आज हमने जो ट्रेड लिया है उसके पीछे का लॉजिक भी जानते हैं और उसके पीछे कितना प्रॉफिट हुआ वो भी देखते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, वैसे में 1437 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट नहीं दे पाया था क्योंकि मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो मुझे फोन में ट्रेड लेना पड़ा था। मैंने मेरे जो भी ग्रुप का अकाउंट है उसमें आज ये ट्रेड लिया था। और दोस्तों मैंने कल आपसे कॉल पे बात की थी, तो आप ऐसे बहुतों की बहुत सारी क्यूरी थी, तो उनको आज अपन सॉल्व भी करेंगे और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक और जो मार्केट गिर रहा है उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज मैंने ये ट्रेड किस लिए लिया था, देखो आप गौर से देखना ना, एक मिनट। मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ ना, गैप डाउन ओपन होने के बाद में ज्यादातर टाइम ऐसे होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एक हायर हाई बनाया, उसके बाद में वापस नीचे आता है और इसको तोड़ के मार्केट वापस से ऊपर चला जाता है। ज्यादातर टाइम ऐसे ही होता, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था मार्केट वीकनेस कैसे होता था। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन वापस से नीचे आ गया। वापस से मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करा, अगर इसको तोड़ देता ना तो मैं कॉल साइड चला जाता, लेकिन इसको नहीं तोड़ा, इसके बाद भी वापस से वीकनेस बताई और इस कैंडल जब ये बनी ना तो ये मेरे लिए एक डोजी सम्मानित थी ये कैंडल। और जिस कैंडल के बनने के बाद में जब इसने ये लो तोड़ा ना, मैंने इसी कैंडल में अपनी एंट्री बना ली थी। इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई और इस कैंडल में एंट्री बनाने के बाद में मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पे नीचे ये सपोर्ट था। तो यहाँ पे देखो, इस सपोर्ट को तोड़ता ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो मेरे को दिखता 100% दिखता। मैं क्या किसी काम से बाहर गया था तो मेरे को बस इस ट्रेन में से जल्दी से निकलना था क्योंकि मैं लोड नहीं ले सकता था ज्यादा। तो उस वजह से मैं यहाँ पे जब ये कैंडल बनी ना ग्रीन, इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ही मैंने एग्जिट कर दिया था। लेकिन वैसा इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि यहाँ से एग्जिट करना चाहिए था, क्यों नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ से डोमिनेशन आता ना, डोमिनेशन कैसे आता, क्वांटिटी से आता। अगर यहाँ से जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट पर कौन होते हैं, बायर, मार्केट को ऊपर कौन लेके जाते हैं, बायर, यहाँ पे बायर होते तो यहाँ पे दिखता मेरे को, यहाँ पे वॉल्यूम अपने आप ही ज्यादा हो जाती। लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, तो यहाँ पे मेरे को एग्जिट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे को जो अच्छा टारगेट मिल गया था 1437 रुपए का, मेरे को प्रॉफिट हो गया था, तो मैं इसलिए यहाँ से फटाफट से एग्जिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद में देखो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, आपको मैंने सिखाया था इस कैंडल की वॉल्यूम और इस कैंडल की वॉल्यूम देखो, क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर था। तो देखो कैंडल ऊपर भी गई, इस कैंडल की वॉल्यूम देखो ज्यादा थी, नीचे गिरते मार्केट में देखो ज्यादा वॉल्यूम आई है, बाइंग प्रेशर था, ऊपर चला गया। वापस से देखो इस कैंडल में वॉल्यूम आई क्योंकि जब ये ट्रेड लाइन टूटी थी ना तो यहाँ से बायर फोर्स कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से भाई ऊपर चला जाए कैसे भी करके, तो यहाँ से दबा के क्वांटिटी लगाई, वॉल्यूम ज्यादा है, वापस से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और इसको तोड़ने के बाद में अपन वैसे भी पुट लेते, तो इसको तोड़ने के बाद में मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे ये सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट था। अब देखो आप, अगर बड़े प्लेयर को क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी मारनी है वहां से, उसको बड़े प्लेयर को यहाँ पे सेल करना, तो बड़ा प्लेयर कब सेल करेगा, जब उसे बायर मिलेंगे ज्यादा, तो वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं मार्केट को। तो वो यहाँ से मार्केट को नीचे गिराया, इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा आई क्योंकि यहाँ से बाइंग का फोर्स था, ठीक है, बाइंग का फोर्स था। यहाँ से बाइंग का फोर्स आने के बाद में ये कैंडल ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में लोग आए, बायर आए, बड़े प्लेयर को यहां पर क्वांटिटी मिल गई, क्योंकि एक अगर बायर है तो एक सेलर भी होता है, तो बड़े प्लेयर को यहाँ पे क्वांटिटी मिली, यहाँ पे दबावे के उन्होंने सेलिंग कर दिया। और मैं यहाँ पे आपको होता तो यहाँ पे सेल मारने के लिए बोल देता, मार्केट यहाँ से गिरा। अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है ना, अब मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, बोलेगा पहले तो मार्केट कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको सुनाई देना चाहिए वो चीज। मार्केट इसको तोड़ने के बाद में वापस से अपन पुट ले सकते हैं, ठीक है। ये कितने बजे की कैंडल है देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कैंडल है अभी 2 बजे की कैंडल बन रही है। तो यहाँ से मार्केट अगर गिरेगा ना तो अपन इसको ही नीचे यहाँ से पुट ले सकते हैं, है ना। अब मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, अभी तो देखो मार्केट एक भी हाई को नहीं तोड़ा, देखो आप, मैं बताता हूँ आपको मार्केट का सिनारियो। मार्केट यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा था, लेकिन जो मेजर हाई था ये था स्विंग, इसको नहीं तोड़ा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देना तो अपन वापस से कॉल साइड चले जा सकते थे आराम से, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ही नहीं, वापस मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया। अब ऊपर कैसे जाएगा मार्केट, ये लोअर लो बनाया, ऊपर से लोअर हाई बनाएगा, वापस से मार्केट लोअर लो बनाएगा ही नहीं, ठीक है, लोअर लो नहीं बनाया।
अब एक मार्केट हायर हाई बनाएगा, ऐसे हायर हाई बनाया, अब वापस मार्केट नीचे आएगा। जब ये इस यहाँ पर भी अपन बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर सकता, इस हाई को तोड़ने के बाद में कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, तो मार्केट ऐसे ट्रेंड चेंज करता है। लेकिन अगर अब आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देख के ट्रेड लोगे ना, तो आप बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं कि आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करने के बाद में लोगे ना, तो 80% चांस है कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। लेकिन अगर आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया डब्ल्यू पैटर्न, तो आप फंसोगे और मार्केट इससे ज्यादा तेजी से जाएगा नीचे, क्योंकि एक भी हाई तोड़ना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो ये होती है, मार्केट जब तक एक भी हाई नहीं तोड़ेगा, मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पे भी मार्केट बोला है, ऊपर जाने से पहले बोला भी है। इस कैंडल की वॉल्यूम देखो, इस कैंडल की वॉल्यूम। अब देखो मैंने कल एक भाई से बात करी थी ना, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उन्होंने देखो यहाँ पे ट्रेड लिया था, इस जगह पे ट्रेड लिया था, इस जगह पे देखो मैं आपको बताऊं, इस जगह पे उन्होंने ट्रेड लिया था, और यहाँ पर उन्होंने ट्रेड लिया और 25 की कैंडल थी ना, हाँ इसी कैंडल पर वो निकल चुके थे। ठीक, अब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ से ट्रेड क्यों लिए, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, मतलब मेरा दिल खुश हो गया, उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने बोला कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही थी, ये टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कर रखा हूँ, है ना। उन्होंने मैंने ये बल्कि आप कल ट्रेड लिया था, मैंने खुद नहीं देखा था कि यार ऊपर से कोई ट्रेड लाइन भी आ रहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन ऊपर से आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि आपने फिर ये ट्रेड क्यों लिया यहाँ पर, ये ट्रेड लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और भी शार्प है, ऊपर ये विक बनी ना, ऐसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि यार आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, उन्होंने कहा कि जो इससे पहले वाली कैंडल बनी है ना, ये उन्होंने जैसे मैं सिखाया था ना, उन्होंने वैसे के वैसे बताया मेरे को, ये कैंडल बनी थी ना तो सर इसमें वॉल्यूम ज्यादा थी, है ना, और मोमेंटम भी सही था, जो ये कैंडल बनी थी और अगली कैंडल ने इसके बराबर ही वॉल्यूम था और मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं था। तो उसे उन्होंने कहा कि मेरे को ना इसी, जब ये कैंडल बनी थी ना, इसमें वॉल्यूम ज्यादा था और मोमेंटम कम था, तो मैंने सर इसी में भाप लिया था और मैंने इसी कैंडल में एंट्री ले ली थी, और जहां भी ये कैंडल आई थी ना, तो मैं इस कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो मेरे को अच्छा लगा सुन के कि उन्होंने जैसे मैं कहा था उनने वैसे किया, और उन्होंने देखो इस यहाँ पर प्रॉफिट भी होता, बल्कि मैंने आपको एनालिसिस करके भी बताया था कि यहाँ से मेरे को वीकनेस दिख गई थी, तो उनको भी वीकनेस दिख गई थी, और आज भी देखना वो वॉल्यूम को फॉलो करेंगे, आज मुझसे बात करूंगा और वो बताएंगे कि उनको देखो कैसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों मिक्सिंग करेंगे तभी जाके आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें। अब आज अगर आप फिबोनाची मिलाओगे ना, देखो अगर मैं आज का फिबोनाची देखूंगा, तो देखो यहाँ से फिबोनाची ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके तोड़ भी दिया था, इसको तोड़ दिया था, देखो इसको तोड़ दिया, यहाँ पे मार्केट ने खूब रेजिस्टेंस लिया फिबोनाची का, फिर इसके बाद में तोड़ा और ऊपर हायर था, उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया, और यहां से अभी आप इसका 50% देखोगे, ये पूरा तो मार्केट का मेजर लेवल कौन सा आ रहा है, मेजर लेवल यही आ रहा, वैसे भी ये स्विंग है, तो देखो फिबोनाची बता रहा कि मेजर स्विंग कौन सी है, तो फिबोनाची के हिसाब से मेजर स्विंग यही है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है। और दोस्तों जो हमारा कोर्स था 10 लोगों का, जो मैंने आपको बोला था 10 लोगों के लिए, तो उनमें से मैंने जो पहले मेरे को लोग बोले थे, उनमें से मैं जिनको जानता था, उनमें से मैंने 7 लोग तो कर लिए, और मैं आगे से देखो किसी को नहीं बोल रहा कि आप कोर्स लो कोर्स लो। आप में से कोई भी 3 लोगों की जगह है, कोई भी लेना चाहता है ना, तो जो भी इच्छुक है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जिसको लेने की इच्छा है वो ले सकता है, ठीक है, कोई दबाव नहीं है, वो फ्री का आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।